प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। और आप हमारे साथ में इस पूरे प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। मेरा नाम आशा डेविड मसी है, मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। मेरे सभी साथियों को डेविड परिवार की तरफ से जय मसीह की, और ब्रदर जी और सिस्टर अमृता को भी जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर ने मेरे बेटे को पूर्ण रूप से चंगाई दी है। लगभग मेरे बेटे को 4 मई से अचानक ही तेज़ बुखार चढ़ा 103 तक। 3-4 दिन तक वह बुखार में ही रहा, वह टैबलेट पैरासीटामोल खाता रहा। 7 मई को हमने उसका RT-PCR टेस्ट करवाया, उसी दौरान उसको खांसी भी आने लगी। खांसी की भी दवाई हमने उसे दी। बेटे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी आने लगी, खाना भी वह ठीक से नहीं खाता था। मुझे तो वह यह कहता था कि मम्मी मेरा टेस्ट नेक पॉजिटिव है, लेकिन मुझे तो अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास था। मैं यही कहती थी कि तेरा टेस्ट बेटा नेगेटिव है। धीरे धीरे उसका बुखार कम होता गया और उसकी सेहत में भी सुधार आने लगा, और उसका रिपोर्ट अभी तक भी नहीं आया। पिता ने मेरे बेटे को पूर्ण रूप से चंगाई दे दी है, अभी वह स्वस्थ है। पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर को देती हूँ, ब्रदर जी और सिस्टर अमृता और उनकी सारी टीम को आशा डेविड की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर आपके सबके परिवार को आशीषित करें। धन्यवाद। जय मसीह के सबको। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप भी उससे रोज सुबह से हम प्रार्थना कीजिए, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आप अपनी गवाही को हमें भेज सकते हैं ताकि हम उस गवाही को लोगों तक शेयर कर सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास की आंखों से देखें। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम मसीह में हैं तो हमें विश्वास की आंखों से चलना है। हमें परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलना है। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 22 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा यूसुफ ने, जब यूसुफ मिस्र देश में था और वो बूढ़ा हो गया और वो मरने पर था, तब उसने अपने सारे लोगों से इस प्रकार से कहा कि एक दिन परमेश्वर तुमको इस मिस्र देश से छुड़ा करके ले करके जाएगा, और जब तुम इस मिस्र देश से जाओगे तो मेरी हड्डियों को भी अपने साथ में ले करके जाना। विश्वास से उसने देखा कि परमेश्वर एक दिन सारे इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके कनान देश ले करके जाएगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। विश्वास से उसने मान लिया कि एक दिन परमेश्वर सब इसराइलियों को उनके दुखों से छुड़ा करके, उस बंधुवाई के जीवन से छुड़ा करके स्वतंत्र जीवन में लेकर के जाएगा, आनंद और आशीषों के जीवन में लेकर के जाएगा, यानी कि कनान देश में लेकर के जाएगा। ये यूसुफ ने विश्वास की आंखों से देखा, और जब उसने देखा तब उसने उन लोगों से कहा कि मेरी हड्डियों को तुम यहां मिस्र देश में न रहने देना, बल्कि मेरी हड्डियों को भी अपने साथ में लेकर के जाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें एक अलग देश देगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से यूसुफ ने विश्वास की आंखों से देखा कि एक दिन परमेश्वर इसराइलियों को छुड़ाएगा, उसी प्रकार से आपको भी इस समय इस विपरीत परिस्थिति में विश्वास की आंखों से चलना है, विश्वास की आंखों से देखना है कि परमेश्वर एक दिन तुम्हें इन सब दुखों से, इन सब परेशानियों से, इन सब विपत्तियों से छुड़ाएगा, तुम्हें उस देश में लेकर जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, यानी कि परमेश्वर तुम्हारे दुखों को एक दिन आनंद में बदल देगा। ये दुख के दिन हमेशा नहीं रहेंगे, ये बंधुवाई के दिन हमेशा नहीं रहेंगे। इस प्रकार का विश्वास आपके अंदर होना है, इस बात को आपको विश्वास से देखना है, और जब आप विश्वास से देखना शुरू करेंगे तो परमेश्वर
परमेश्वर एक दिन आपके जीवन में वैसा ही करेंगे। यदि आप असफल हो रहे हैं तो आपको विश्वास की आंखों से देखना है, मेरा परमेश्वर मुझे अवश्य सफल करेगा। यदि आप बीमार हैं तो आपको विश्वास की आंखों से देखना है कि मैं एक दिन बिल्कुल सही हो जाऊंगा, अपितु मैं सही हो गया हूं, इस प्रकार से आपको विश्वास करना है। यदि आप परेशानियों में, समस्याओं में, दुखों में हैं तो आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु एक दिन मेरी इन सब दुखों का अंत करेगा और मेरे जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। दोस्तों, जब आप विश्वास की आंखों से देखते हैं, जब आप विश्वास से किसी बात को मान लेते हैं, तो परमेश्वर उस बात को आपके जीवन में पूरा करते हैं। यहां पर हम देखते हैं यूसुफ ने बहुत पहले इस बात का विश्वास कर लिया और बहुत सालों बाद इजरायली लोग मिस्र देश से छुड़ाए गए मूसा के द्वारा। और जब मूसा वहां से निकला इजरायलियों को लेकर, तो वो यूसुफ की हड्डियों को भी अपने साथ लेकर के आया। मेरे प्रियो, क्या हुआ? जैसा यूसुफ ने विश्वास किया था वैसा ही उसके लिए हुआ भी, और इजरायली लोग उस बंधुआई के जीवन से छूट गए। उसी प्रकार से आसाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी इस प्रकार का विश्वास करें, तब परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करते हुए आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे। यदि इस समय आप बीमारी में हैं, यदि आप इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो आप विश्वास से मान लें कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मुझ में कोई भी कोरोना का सिम्टम्स नहीं है, मेरे प्राणों की हानि नहीं होगी, मैं इस जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहूंगा और परमेश्वर की भलाइयों को देखूंगा। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए और अपने जीवन में चलते हुए उन हालातों के लिए कि जिससे होकर आप गुजर रहे हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें और विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी के लिए आप प्रार्थना करें। तो सो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर उस यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्यारे यीशु राजा, हमारे अधिपति, हमारे राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे शरण स्थान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी सनातन की चट्टान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ, हमारे प्रेम करने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे हम सफर, हमारे दोस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु जी, आप शारून का गुलाब है पिता। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर आज की ये सुंदर शाम हमें दिखाने के लिए, हमें दिन भर में संभालने के लिए, ये सुंदर सी संगति देने के लिए, प्रभु हम सबको एकत्रित करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, यदि दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, यीशु हमें माफ करें, उन गुनाहों को हमसे, हमारे जीवन से दूर करें और कभी भी हम उन गुनाहों को अपने जीवन में ना दोहराएं परमेश्वर। लॉर्ड, हम आपके हाथों में इन बातों को सौंप देते हैं परमेश्वर। हम सारी बातों को आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं प्यारे यीशु कि हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए कि हम इन गुनाहों को अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं। पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि आज की शाम में मेरे प्रभु आपने हमसे बातचीत किया कि सच में प्रभु आप चाहते हैं कि यूसुफ की तरह हम भी प्रभु ये विश्वास रखें कि हम अपने जीवन की सारी स्थितियों से बाहर निकलकर एक सही जगह पर नियुक्त किए जाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु यूसुफ ने विश्वास किया परमेश्वर, उसी प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में मेरे प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के अंदर ऐसा विश्वास जगाएं, ऐसे विश्वास इनके अंदर उत्पन्न करें। आप इन्हें होली स्पिरिट की सामर्थ्य दें, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दें परमेश्वर, कि ये विश्वास में बढ़ सके, ये विश्वास की आंखों से देख सके परमेश्वर। लॉर्ड, आप इनकी आंखों को खोलें कि प्रभु ये विश्वास से देख सके परमेश्वर। लॉर्ड, अपनी बीमारियों से छुटकारे को देख सके, अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देख सके प्रभु, कोरोना वायरस से चंगाई को देख सके परमेश्वर। पिता लॉर्ड फादर, रिश्तों को बनते हुए देख सके प्रभु जी, संतान प्राप्ति देख सके परमेश्वर। लॉर्ड, ये आज जिस भी परिस्थिति में है लॉर्ड, ये विश्वास कर रहे हैं प्रभु, आप सब विश्वास करें, अपने विश्वास की आंखों को खोलें प्रभु की ओर, अपनी निगाहों को करें परमेश्वर से, करें प्रभु
हम धन्यवाद करते कि हम अपने विश्वास की आंखों से देख रहे हैं कि हमारी बीमारियां जा रही हैं। हालेलुया प्रभु जी, इनकी सारी बीमारियां जा रही हैं पिता परमेश्वर, इनके सारे दुख दूर हो रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके वायरस प्रभु जो वायरस से ये ग्रसित है वो वायरस नष्ट हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, इनके रिश्ते बन रहे हैं प्रभु, इनका जीवन रिस्टोर हो रहा है प्रभु, आप इनके मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन्हें संतान की आशीषें दे रहे हैं परमेश्वर, इनके कर्जों को आप चुका रहे हैं पिता, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप दूर कर रहे हैं परमेश्वर, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, ये सब कुछ आज आपके बेटे बेटियों ने विश्वास की आंखों से देखा है, जिस प्रकार की यूसुफ ने देखा कि प्रभु इसराइलियों को वो मिस्र देश से निकाल कर कनान उस अच्छे और उत्तम देश में लेकर जा रहा है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज इनके दुखों का अंत होने पाए प्रभु, ये विश्वास से देखने पाए आज प्रभु, इनके पीड़ाओं का अंत होने पाए प्रभु, ये विश्वास से देखने पाए। लॉर्ड फादर धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु जो कोरोना वायरस से पीड़ित है यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। उनके ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद। हर एक ब्लॉकेज खुल रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु वायरस वो सिम्टम उनके शरीर से जा रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। वो रिकवर होकर घर पहुंच गए हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज आप ये सब विश्वास करें अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए जो कोरोना वायरस से ग्रसित है, उनके लिए आज आप ये विश्वास से देखें, उनके लिए आप ये धन्यवाद देना शुरू करें कि प्रभु वो सुरक्षित घरों को आ गए हैं, वो चंगे हो गए हैं, जो सीरियस हैं आईसीयू में है, वेंटिलेटर में, प्रभु हम विश्वास की आंखों से देखते हैं कि आपने उन्हें छू कर चंगा किया और वो सुरक्षित अपने घरों में है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए प्रभु जी, जहां पर प्रभु जी प्राकृतिक आपदाएं हैं पिता परमेश्वर, प्रभु इन प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर आप उन जगहों को, उन लोगों को बचाएं परमेश्वर जो उन जगहों में मौजूद हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम उनको आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु, ये प्राकृतिक आपदा से प्रभु जी आप उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु, हम इन भाई बहनों को, इनका भविष्य, इनके रिक्वेस्ट आपके हाथों में देते हैं प्रभु कि सब कुछ इनके जीवन में आप पूरा करेंगे और प्रभु आप इन्हें एक उत्तम जगह नियुक्त करेंगे प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, आपने उनके लिए जॉब को दे दिया है प्रभु, जिनके पास प्रभु कोई उम्मीद नहीं, उनकी उम्मीदों को आपने बढ़ा दिया है प्रभु यीशु मसीह, जो घरों से बाहर है प्रभु आप वहां पर उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं प्रभु जी, प्रभु इनके काम जो रुके हुए प्रभु ने आप सफल कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते, हमारे देश से इस कोरोना वायरस को नष्ट आपने कर दिया है प्रभु, हम विश्वास की आंखों से देखते हैं प्रभु। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, इनके निवेदनों को जो हमारे डेली लिसनर्स है प्रभु, उनका एक एक निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं, जो हमें अभी कमेंट्स पे प्रभु अपने रिक्वेस्ट दे रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उनके प्रॉब्लम्स दूर हो प्रभु, वो चंगे हो जाए, हर एक समस्या का समाधान उनके जीवन में होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया, अपने बीज को बोया है प्रभु, वो 100 गुना फलवंत हो पिता, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो प्रभु, पर अपरंपार आशीष आप उन्हें दे प्रभु जी, उनकी कमाई पर बरकत दे परमेश्वर, और होने दे वो निश्चिंत अपने परिवार को साथ लेकर उसका आनंद लेने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, हम सबको आप आशीष दे, हम सबको आप सुरक्षित रखे, और आज की रात में प्रभु आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, दुष्ट के कामों से आप प्रोटेक्ट करें, और गलत विचारों से, बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए, अपने लोगों को आप सुरक्षित रखे प्रभु, क्योंकि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले प्रभु हैं, और खुदावर उनके जीवनों में अपनी भलाइयों को दिखाने वाले परमेश्वर है, क्योंकि जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाइयों को देखूंगा, हाँ परमेश्वर उसी प्रकार हम सब जो आपके पीछे चलते हैं, हम सब जो आप पर विश्वास करते हैं, वो आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन।